पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कांग्रेस की सोनिया गांधी के दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि संविधान पर वो लोग हमला कर रहे हैं जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो गलत नारे लगा रहे हैं, ऐसे लोग जो है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं और कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। कानून जो भी अपने हाथ में लेगा, देश के खिलाफ बोलेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो। उन्होंने एक ही बात कही, आप पार्टी के आधार पर पार्टी की आलोचना करनी है तो बिल्कुल करिए, देश के खिलाफ कोई ना बोले, देश के खिलाफ जो भी बोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। संविधान पर तो वो लोग हमला कर रहे हैं जो तोड़फोड़ कर रहे हैं और गलत नारे लगा रहे हैं, राष्ट्र के खिलाफ जो नारे लगा रहे हैं और लगवा रहे हैं, लगा भी रहे हैं और लगवा रहे हैं और प्रोत्साहित कर रहे हैं, ऐसे लोग जो हैं वो जो ये देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं और कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, और कानून जो भी अपने हाथ में लेगा, देश के खिलाफ कोई बोलेगा तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और चाहे माननीय प्रधानमंत्री हों चाहे गृह मंत्री हों, उन्होंने एक ही बात कही है कि आप पार्टी के आधार पर पार्टी को आपको आलोचना करनी है, बिल्कुल करिए, देश के खिलाफ कोई ना बोले, देश के खिलाफ कोई बोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको सहा नहीं जाएगा। कि कुछ लोग जो कहते हैं कि देश की तरक्की नहीं हुई है, देखिए आज भारत इस मुकाम पर पहुंच गया है कि खुद के जहाज बनाने लग गया, खुद की सबमरीन बनाने लग गया, ब्रह्मोस मिसाइल उसकी तेजी और मारक क्षमता दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ये तरक्की भारत ने स्वतंत्रता मिलने की बात की है। हम अपनी खुद की गाड़ियां बनाते हैं, हम अपनी खुद के दोपहिया वाहन बनाते हैं, अपने दुख के कंप्यूटर बनाते हैं, मोबाइल बनाते हैं, मोबाइल बनाने वाला नंबर दो देश में हमारा देश हो गया है। तो इतनी भारी तरक्की जो है माने मोदी जी के सरकार में हो रही है, और इन लोगों को जो बहुत सारे लोग हैं जो खाली हो गए हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, वो आलोचना करने के अलावा और कुछ बोल नहीं रहा है। देखिए भारत ने पहला मैच बहुत बहुत अच्छी तरह से जीता, लक्ष्य बहुत तगड़ा था, 203 रन बनाए थे न्यूजीलैंड में, और न्यूजीलैंड के अंदर एक बड़ी ताकतवर टीम मानी जाती है। लेकिन भारत ने पहले ऑस्ट्रेलिया को हराया था, हालांकि वो अपने देश में हराया था, आज मैच है, मैच फिर भी कांटेदार टक्कर होगी, मजबूत टीम है न्यूजीलैंड, अपने देश में और मजबूत हो जाती है। लेकिन भारत की टीम भी बहुत अच्छी है, विराट कोहली नए मुकाम जो है वो पैदा करते चले जा रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, और उसी तरीके से रोहित शर्मा भी, टीम बहुत अच्छी है, संतुलित है, और मैं समझता हूँ आज का मैच भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन अंत में विजय भारत की ही होगी।